बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैंने ऊपर से ये चीख बांधी है, धूप की वजह से। धूप आती है सुबह, यानी कि हमारे बुलाने में आता है, ये ऊपर से ये बांध के आई हूँ। अब हम नाश्ता करने लगे हैं, तो बच्चों को नाश्ता देती हूँ। हाँ जो बैठो, मेरी फरमान में आपको नाश्ता करूँ। नीचे बैठो, बैठो ये लो फातिमा, नीचे बैठो। ग्रेफा, ग्रेफा इधर आओ, ये लो आपकी दे, यहाँ बैठो नीचे, भाई के पास बैठो, आपके पास। ये बच्चे अब नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता कर लेते हैं। ग्रेफा ये लो, तो फिर हम इनसे दूसरी खोलते हैं बच्चों से। देख आपने दूसरी भी याद किया, कितना याद किया? थोड़ा। और फातिमा आपने, चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर इनसे बच्चों से आप दूर शिफ्ट होते हैं। आते हो जुहे, फातिमा आ जाओ, चलो ट्यूशन का टाइम हो गया। चलिए जी, जुहे नाश्ता कर लिया हमने, तो जुहे फातिमा आप जा रहे हैं ट्यूशन, तो अल्लाह जुहे अल्लाह हाफिज़ कर दो। इनको थोड़ी सी कापियाँ हम देते हैं, ताकि इन्होंने छुट्टियाँ हैं तो बैग हम इसलिए इनको नहीं देते, थोड़ी सी काफ़ी में शॉपर में डाल के देते हैं। ईमान है, अभी वो जाती नहीं है, क्योंकि ईमान को तो हमने डाला ही नहीं है ना। ईमान सपारे पे जाती है, ना ही इनके साथ ट्यूशन जाती है। जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होगी, ईमान को सपारे के लिए भी और स्कूल भी इनके साथ भेजेंगे। ज़ैफ़ा देखो उनके पीछे जा रहा है, बाहर जा रहा है ज़ैफ़ा, कह रहा है कि मैं भी बाहर जाऊँ। फातिमा और जैद के पीछे जा रहा है ज़ैफ़ा। ज़ैफ़ा हाफिज़ कर दो, कहाँ जा रही हो आप फातिमा? अजीत आओ, आ जाओ, आ जाओ, अच्छे से चलो, आ जाओ, आ जाओ। इमाम आप भी अंदर आ जाओ। चलने भी कि अब हम घर का काम करते हैं, तो उतनी देर में मियाँ उठ जाएंगे, वो सब्जी ले आएंगे, तो उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे, ठीक है? सब्जी महंगी बहुत थी आज, आज हाँ महंगी थी। गोभी भी महंगी थी, गोभी भी 200 रुपए किलो थी, भिंडी 300 रुपए किलो थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो प्याज अंडे बनाते हैं आज। हाँ, तो सब्जी वाकई बहुत, प्याज इतने ज्यादा, वो मैंने कहा भी जब बनेंगे ना तो भी मैं थोड़े से हो जाते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा काट लिया। शोर क्यों कर रहा है माँ? फातिमा जैफा क्या कह रहा है? ईमान भाई को देखो, क्या कर रहा, क्यों चीख रहा है? पंखे को, पंखे के बटन को दबा रहा है। देखो हाथ ना आ जाए जैफा का। ओए नहीं करो ना, क्यों कर रहे हो? क्या हुआ था ईमान, क्या हुआ था जैफा, क्यों रो रहा था? पंखे को चला रहा था, पंखे को चला रहा था, पंखे को चला, पंखा हमने बंद किया था ताकि ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, वीडियो में आवाज आनी थी ना इसलिए। हाँ जी, वीडियो बनाई थी, फिर वो शोर बहुत होना था, आवाज आनी थी, इसलिए हमने पंखा बंद कर दिया। तो ज़ैफ़ा कह रहा है आप पंखे के बटन को दबाया था कि पंखा चला दो, तो तंग कर रहा, गर्मी लग रही होगी ना? नहीं, हम दूसरा पंखा चला देते हैं ना। ऐसा टाइम हो गया, गैस आती है 12 बजे, 12:15 बजे से टाइम पे गैस आती है। तो फातिमा तो आज तक सो गई है, ढेर भूख का बहुत स्ट्रगल है, कहता है बस जैसे जैसे जल्दी से मुझे ना खाना दे दो। ढेर जो है वो सफर नहीं करता, जल्दी जल्दी हम बनाते हैं ताकि ना बाद में ना गैस चली जाएगी। रोटी बना ली है? नहीं, रोटी नहीं खाई अभी, बना ली, रोटी भी अभी बना ली, गैस अभी अभी आई है ना, तो मेरे जल्दी से ना एक साइड पे अंडे रख लेते हैं, अंडे पे और दूसरी साइड रोटी बना लेती हूँ। किचन का काम मुकम्मल हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, सबने खा भी लिया था। मैंने अब
सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी सारी शाम की, और कपड़े वगैरह भी धो लिए, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, ठीक है, और अब शाम की सफाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। एक बहन ने कमेंट किया था कि दीवारों का हाल ठीक नहीं है, पीछे का माहौल हमारा ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आस्था तो हम सब कुछ सेट कर लेंगे, तो इसलिए क्योंकि हमने ये सब करवा लेना था, इसका पेंट भी सारा ख़राब हुआ है, सीमेंट भी ख़राब हो चुका है, मियाँ का ना काम ठीक नहीं था, इसकी वजह से हम ये सब नहीं करवा सकते, सेट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हमने ये सब करवा लेना, लेकिन अब आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें कि हम सब, जब से हम हमारी वीडियो चल गई तो हम ये सब कुछ करवा लेंगे। हमारी सीढ़ी चढ़ी नहीं है, सीढ़ी हमारी ये लकड़ी की है, हम इसी के ऊपर इसको लगा के ऊपर जाते हैं। आप बस बाकी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी आज की, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।